ये इंडिया अलायंस के साथी हैं जो मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक दूसरे के साथ मिलकर सियासी मोर्चे पर एक साथ खड़े रहे। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी का इत्तेहाद है और दिल्ली में आज रैलियों का सुपर सनीचर है। दिल्ली के चांदनी चौक सीट पर आज राहुल गांधी की रैली की रौनक है, लेकिन 24 के इत्तेहाद में उनके साथी अरविंद केजरीवाल राहुल के मंच से दूर है। केजरीवाल को कांग्रेस से इन्विटेशन क्यों नहीं मिला? कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल से क्यों बनाई दूरी? हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सिर्फ अपने उम्मीदवार के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस के दो उम्मीदवार उदित राज और जेपी अग्रवाल के लिए दिल्ली की आवाम से वोट मांगे, लेकिन राहुल की रैली में अरविंद केजरीवाल को इनवाइट नहीं किया गया तो सियासी सवाल उठने शुरू हो गए। अरविंद केजरीवाल जी इस प्रोग्राम में फिलहाल नहीं रहेंगे, अगर कोई बनेगा तो विल अपडेट। केजरीवाल से कांग्रेस की दूरी की बड़ी वजह क्या है? इन्विटेशन नहीं देने की क्या है इनसाइड स्टोरी? केजरीवाल से दूरी बनाने की वजह है राज्यसभा एमपी स्वाति मालीवाल पिटाई कांड। जी हां, सियासी गलियारों में चर्चा इसी बात की है। कहा जा रहा है कि सियासी नफा नुकसान को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल से दूरी बनाने का फैसला किया है। अभी एक्यूजिशंस हैं, आज एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन होगी। कांग्रेस का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, महिला के साथ बदतमीजी, महिला के साथ अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, निश्चित ही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी उसमें कल्प्रिट पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी खुलकर अभी कुछ कहने से बच रही है, लेकिन हकीकत यही है कि राहुल गांधी जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहाँ अपने इत्तेहाद के साथियों के साथ मंच साझा करते दिखते हैं। झारखंड में भी ऐसा ही दिखा और यूपी में भी। उम्मीद दिल्ली को लेकर भी यही थी, लेकिन 7 में से 3 सीटों पर तसल्ली बख्श रहने वाली ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने आम आदमी पार्टी से परहेज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।